अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मरी हिल्स एंड टूरिज़म और मैं हूं साजिद अमीन कुरैशी। ये जनाब आज मरी में स्नोफॉल का स्टार्ट हो चुका हुआ है, इससे पहले भी वीडियोस आप देख रहे हैं और जितने लोग हैं वीडियो लाइक करते हैं देखते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और यहाँ हमारे साथ भाई मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं कि मरी में आके उनको कैसा लगा जी इस दफ़ा, और मरी के जो लोग हैं उनका एटीट्यूड कैसा रहा, और मरी में रास्ते वास्ते हर चीज़ क्लियर इनको मिली है, क्या सीन है, कोई टेंशन तो नहीं हुई? तो अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सर, क्या हाल है जी आपका? जी आपका गुड नेम सर, आपका गुड नेम? मोहम्मद वसीम। गुड नेम में मेरा लाहौर से मैं आया हूँ। अच्छा जी, तो लाहौर पे जब था मैं उस वक्त ये बता रहे थे कि मरी के हालात बहुत ख़राब हैं जी, वहाँ पे वो बर्फबारी बहुत है, रास्ते ब्लॉक हो जाते हैं, ये हो जाता है। लेकिन यहाँ पे आके जो मैं चीज़ देख रहा हूँ अच्छा, ये है कि यहाँ के तो लोग बहुत अच्छे हैं यार, बर्फ को जल्दी से खत्म कर देते हैं, कहीं पे कोई रुकावट नहीं है, कोई चीज नहीं है, यानी इंतजाम अच्छे लग रहे हैं आपको? अच्छे लग रहे हैं। तो ये जो होटल है वहाँ पे हम आए हैं, माशाल्लाह यहाँ के व्यू बहुत अच्छे हैं, यहाँ पे जो व्यू बना हुआ है यहाँ पे हम कश्मीर पॉइंट देख सकते हैं, मोटर देख सकते हैं, न्यू मरी देख सकते हैं। ये जहाँ होटल ईस्ट व्यू में ठहरे हुए हैं, तो ये यहाँ का पॉइंट कैसा लगा टूरिस्ट के लिए, जितने बाहर से टूर्स आते हैं उनके लिए ये जगह कैसी है? जी जहाँ जी बहुत अच्छी है, बकाया होटल की नस्बत ये होटल है ना, इन्होंने ये पॉइंट बहुत अच्छा रखा हुआ है कि आपको कहीं बाहर जाके घूमने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ये होटल लेते हैं तो आपको इसी होटल के अंदर ही सारी फैसिलिटी मिल जाती है एंजॉय करने की, जैसे कि अच्छे पॉइंट बने हुए हैं यहाँ पे बने हुए हैं, खुला आगे हॉल है, ग्राउंड है, बच्चे एंजॉय करते हैं, स्लेटिंग करते हैं, बारबेक्यू सेटअप मौजूद है, बारबेक्यू सेटअप है, किचन है, खाना बना के दे रहे हैं, तो बहुत अच्छा माशाल्लाह इनका सेटअप है। यानी आप खुश हैं जी? आपका क्या नाम है भाई? मोहम्मद अजीम। मोहम्मद अजीम, अजीम साहब आपकी क्या राय है इस मरी के बारे में कि मरी में आना चाहिए लोगों को? हाँ जी, मरी में आना चाहिए, एंजॉय करनी चाहिए, बर्फबारी हो रही है, बहुत मज़ा आ रहा है हमें। अच्छा, एंजॉय कर रहे हैं आप? हाँ जी। चलें जी, और सर्दी सर्दी तो लग रही होगी आपको यहाँ मरी में? है, इतनी ज्यादा नहीं। और जैसे ये मरी के बारे में लोगों की राय थी, वो मरी में ये है वो है, उस बारे में आप क्या कहते हैं? मैं तो ये देखता हूँ कि जितनी लाहौर में सर्दी है ना जी, जी कम मुझे यहाँ पे लग रही है। अच्छा, लाहौर में ज्यादा लगती है, यानी लाहौर की नस्बत यहाँ जो है मौसम अच्छा है, आप समझ रहे हैं कि इतनी सर्दी लेवल ही है। तो बड़ा अच्छा सूरज निकला हुआ था, धूप थी, अच्छा उसका भी मजा लिया है। उसके बाद ये अल्लाह की रहमत हो रही है, बर्फबारी बढ़ रही है, तो इसका भी एंजॉय कर रहे हैं हम यहाँ पे। बस यही है जी, आपको हमारा मकसद यही था कि लोगों को दिखाएं जी। व्यूअर जी, आपने इनकी बातें सुनी जी कि ये माशाल्लाह एंजॉय कर रहे हैं जी लोग, और होटल ईस्ट व्यू के बारे में ये बताते हैं कि बड़ा एक अच्छा पॉइंट है, और ये इसको देख के ना, ये इस जहाँ ये ठहरे हुए हैं वहाँ ये देखें कि यहीं पार्क का माहौल है और ओपन, और यहाँ से ऊपर जाते हैं बारबेक्यू सेटअप मौजूद है, और ये सारा एरिया है जी, ये इस होटल के रूम्स वगैरह हैं सारे, यहीं से ये लोग बाहर निकलते हैं, इंजॉय करते हैं, स्नोफॉल देखते हैं, इनको दूर जाने की ज़रूरत भी नहीं महसूस होती, और ये बड़ा अच्छा पॉइंट है जी। और जितने भी टूरिस्ट आए मरी में ज़रूर आएँ जी, मरी में रास्ते वास्ते सब क्लियर किए हुए हैं जी लोगों ने, जितने भी इंतज़ामिया का सिस्टम है बड़ा अच्छा चल रहा है इस दफ़ा, मरी के रोड सब क्लियर है। मैं आपको यहाँ से जब माल रोड की तरफ जाता हूँ, ये बिल्कुल 1 मिनट की दूरी पे है जी माल रोड यहाँ से जीपीओ चौक, तो मैं आपको वो भी दिखाऊंगा इंशाल्लाह, और आप देखेंगे कि रोड्स वगैरह का भी जो है वो आपको एक सेटिंग बताऊंगा कि बिल्कुल क्लियर है जी। ओके, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।